Very good morning, students. So today we are going to start our next topic, that's called mechanics. बहुत ही vast topic है और काफी interesting topic है, that's called mechanics. तो mechanics क्या होता है? Mechanics basically physics का वो branch होता है जहाँ पर हम object के motion के बारे में study करेंगे. क्या study करेंगे? Object के motion के बारे में क्या करेंगे? Study करेंगे. So because that mechanics may be defined as that branch of the physics in which we deals with the स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड मैकेनिक्स. ये जो मैकेनिक्स है इसको हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला आपका पार्ट होता है स्टैटिक्स, सेकेंड आपका पार्ट होता है काइनामेटिक्स और थर्ड आपका पार्ट होता है डायनामिक्स. क्या होता है? डायनामिक्स. तो स्टैटिक्स क्या होगा? स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा. क्या रहेगा? रेस्ट में. सो वी कैन से दैट स्टैटिक्स मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स इन विच ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट. राइट. या हम किसके बारे में डील करेंगे? या हम ऑब्जेक्ट के बारे में डील करेंगे जब ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा. तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स. काइनामेटिक्स क्या होता है? काइनामेटिक्स बेसिकली फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, बट मोशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्टडी नहीं करेंगे. सो व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि काइनामेटिक्स बेसिकली फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो स्टडी करते हैं, बट मोशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में स्टडी नहीं करते, उसको बोलते हैं काइनामेटिक्स. क्या बोलते हैं? काइनामेटिक्स. और थर्ड पार्ट क्या होता है? थर्ड पार्ट होता है डायनामिक्स. तो डायनामिक्स में क्या होगा? डायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और उस मोशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी भी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. तो फिजिक्स के उस ब्रांच को बोलते हैं डायनामिक्स. क्या बोलते हैं? डायनामिक्स. राइट. तो तीन पार्ट हो गए, स्टैटिक्स हो गया, काइनामेटिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया. यहाँ ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा. या ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, राइट, बट मोशन के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्टडी नहीं करेंगे. और यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में भी स्टडी करेंगे और मोशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसकी भी हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. राइट. सो इट्स कॉल्ड स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो आपका क्या होगा? रेस्ट होगा. क्या होगा? रेस्ट. बताइए रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ चेंज ना हो तो ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा. राइट. तो व्हाट वी कैन से, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज ईदर विद सराउंडिंग्स और विद टाइम. तो क्या होगा आपका? रेस्ट में होगा. किस में होगा? रेस्ट में होगा. दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होता है मोशन. क्या होता है? मोशन. तो मोशन क्या होगा? मोशन आपका रेस्ट का रिवर्स होगा. तो मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि सराउंडिंग के साथ और टाइम के साथ चेंज हो तो ऑब्जेक्ट किस में आएगा? मोशन में आएगा. किस में आएगा? मोशन. राइट. बट वन थिंग कीप इन माइंड दैट रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म. रेस्ट और मोशन जो होता है दोनों क्या होता है? रिलेटिव टर्म होते हैं. क्या होता है? रिलेटिव टर्म. रिलेटिव टर्म का मीनिंग क्या हुआ? जैसे ये मेरा हाथ है, इसमें मैंने मार्क कर रखा, बताइए आप क्या कहेंगे? मार्कर रेस्ट में मोशन में है. एक बच्चे ने कहा कि मार्कर रेस्ट में है और दूसरे बच्चे ने कहा कि मार्कर किसमें है? मोशन में है. हाँ जी बताइए कौन गलत है? कोई गलत नहीं है. क्या है? कोई गलत नहीं है. इज़्ज़त बल्कि कह रहे उचित नहीं है. अगर मैंने कहा कि मार्कर आपका रेस्ट में है तो ये अधूरा वाक्य है. ये क्या है? अधूरा वाक्य. आप क्या, आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए कि मार्कर आपका रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू माई हैंड, विद रिस्पेक्ट टू माई हैंड. राइट. और मार्कर क्या है? मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ए पर्सन हु इज पासिंग फ्रॉम हियर. मान लीजिए कोई बंदा है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ से पास हो रहा है, तो उसके लिए मार्कर किस में होगा? मोशन में होगा. किस में होगा? मोशन में. तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि मार्कर आपका रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू माई हैंड. ठीक है. और मार्कर आपका किस में है? मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ए पर्सन हु इज पासिंग फ्रॉम हियर. राइट. तो मैं कहने का अर्थ है, अगर ये डिफाइन करते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट में है या कोई चीज़ मोशन में है, तो हमें ये डिफाइन करना चाहिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है. और जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, मतलब जहाँ पर बैठ के हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसको कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. राइट. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहाँ से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. क्या कहते हैं? ऑब्जर्व करते हैं. मान लीजिए मैं ग्राउंड से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ग्राउंड बेसिकली क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. मान लीजिए मैं रिवर में हूँ और रिवर से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करूँगा, तो रिवर बेसिकली क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. तो
तो वी व्हाट वी कैन से, जहां पर आपका ऑब्जर्वर है, जहां पर आपका ऑब्जर्वर है वो प्लेस आपका कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. तो ध्यान रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो प्लेस होती है, वो जगह होती है जहाँ ऑब्जर्वर होता है, जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है. क्या करता है? ऑब्जर्व करता है. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है, ये मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है, ये आपका रिवर हो गया, ये मान लीजिए राइट साइड में फ्लो कर रहा है. तो रिवर जो है वो आपका क्या करेगा, वो आपका राइट साइड में क्या करेगा, फ्लो करेगा. क्या करेगा? फ्लो करेगा. मान लेते हैं एक बंदा है, उस बंदे का नाम है ए, और एक बंदा ग्राउंड पे है, उस बंदे का नाम क्या होगा? बी हो गया. क्या हो गया? बी. ठीक है, ये बंदा ग्राउंड पे है और ये वाला बंदा क्या है, रिवर के अंदर है. ओके, अब बी जो है वो ए को ऑब्जर्व करेगा. बी जो है वो क्या करेगा? ए को ऑब्जर्व करेगा. तो ऑब्जर्वर कौन? ऑफ कोर्स बी. बी जब ए को ऑब्जर्व करेगा तो बी आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वर. और बी है कहाँ? ग्राउंड पे. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ग्राउंड होगा. बी जो है वो ए को कहाँ से ऑब्जर्व करेगा? बी ए को ऑब्जर्व करेगा ग्राउंड से. तो आपका ग्राउंड जो है वो बेसिकली क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन दिस पर्टिकुलर केस. चलिए मैंने एक बंदा वो ले लिया, इस बंदे को नाम दिया मैंने सी. क्या नाम दिया? सी. और सी ए को ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जर्वर कौन है? सी है, राइट. और सी कहाँ पर है? सी रिवर के अंदर है. तो इस केस में आपका जो रिवर होगा वो क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. मैंने कह रहा था बी अगर ऑब्जर्वर है तो आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और सी यदि आपका ऑब्जर्वर है तो आपका जो रिवर है वो क्या है? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो ध्यान रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो पर्टिकुलर प्लेस होता है, वो जगह होती है जहाँ से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है. क्या करता है? ऑब्जर्व करता है. दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आइए थोड़ा और स्टडी करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में. मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रेन है, ऐसा मान लेते हैं ये एक ट्रेन है और ट्रेन आगे जा रही है. ट्रेन का स्पीड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड. और ये आपके ट्रेन के पहिए हैं. ट्रेन मान लो बस, मान लो यार बस मान लेता है ना, आपका होगा कि ट्रेन तो ग्राउंड पर चलता ही नहीं है. इसमें तो मान लीजिए आपका क्या होगा? बस होगा. क्या होगा? बस. और अभी एक बंदा है, ये है आपका बालक वन. क्या है? बालक वन. ये बालक है, दिस इज कॉल्ड बालक है. यहाँ पर जो है वो आपका दूसरा बालक है. तो ये जो बालक है इसको मैं नाम दिया बालक बी. यहाँ आपका मान लीजिए तीसरा बालक है, तो ये आपका तीसरा बालक हो गया. तो इस बालक को मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया? बालक सी. और यहाँ पर एक और बालक है, इस बालक को हमने नाम दिया बालक डी. तो कितने बालक है? चार बालक है. बालक ए, बालक टू, बालक बी, बालक सी और बालक क्या होगा? डी होगा, राइट. ऐसा हो गया. मान लेते हैं जो आपका ए है, ए सपोज करो राइट साइड में मूव कर रहा है, स्पीड क्या होगा उसका? स्पीड होगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड. बस का स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड. और मान लेते हैं सी भी मोशन में है, तो सी का जो स्पीड है वो मान लीजिए राइट साइड में कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड. क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड, राइट. चलिए ये तो आप जानते ही हैं. वी बी ए का मीनिंग क्या होता है? वी बी का मीनिंग होता है बी का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ए. वी बी ए का मीनिंग क्या होता है? बी का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ए. यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? ए है. किसको ऑब्जर्व करेगा? बी को ऑब्जर्व करेगा. और इसको लिखा जाता है वी बी माइनस में क्या होगा? बी ई. दिस कैन बी रिटन एज वी बी माइनस में क्या होगा? बी ए. ये टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगा कहाँ? रिलेटिव मोशन में. जब हम रिलेटिव इनवर्टी स्टडी करेंगे और रिलेटिव इन टू डी स्टडी करेंगे तब आपको ये बार बार सुनने को मिलेगा. तो वी बी का होता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट. ऑब्जर्वर कौन है? आपका ए है. ऑब्जेक्ट क्या है? आपका बी है, राइट. चलिए इस पर्टिकुलर केस में क्या निकालते हैं? बीबी निकालते हैं. बताइए इस पर्टिकुलर केस में आपका बीबी कितना होगा? ए का स्पीड तो कितना होगा आपका? 2 होगा. कितना होगा? 2 होगा, ठीक है. स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन है. स्ट्रेट लाइन मोशन है तो आपका जो वेलोसिटी होगा, जो स्पीड होगा, वह एक ही होगा. तो मैं कहने का था इसका जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितना है? 2 है. कितना है? 2. बताइए बी का वेलोसिटी कितना है? बी का वेलोसिटी बोलो कितना है? 0 आएगा, 5 आएगा. बी का जो वेलोसिटी बोलो कितना आएगा? 0 आएगा, 5 आएगा. तो बी का वेलोसिटी यहाँ पर 5 आएगा. कितना आएगा? 5. अब क्वेश्चन है 5 क्यों आया? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 5 यहाँ पर क्यों आया? देखो कौन सी बात है, ए का जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड,
किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो हम बी का जो वेलोसिटी लेके चलेंगे, जो स्पीड लेके चलेंगे, वो भी कहाँ लेके चलेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। जब हम दो पर्सन्स की स्पीड को, दो पर्सन्स की वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे तो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि ग्राउंड है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या होगा, ग्राउंड होगा। भाई बस के रिस्पेक्ट में तो उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या है, फाइव है। क्या है, फाइव, बिकॉज बस आगे जा रहे हैं, बस में बंदा भी है। तो बी का जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, फाइव होगा। कितना होगा, फाइव। तो बेसिकली फाइव आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो 5 माइनस 2 कितना होगा, दैट कम्स आउट टू 3 मीटर पर सेकंड। ये जो है ये आपका बी का वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या होगा, बी का वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ए होगा। वैल्यू कितना आया, 3 मीटर पर सेकंड, राइट। चलिए ए को निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं बी सी ए। बी सी क्या है, बी सी ए जो है आपका बी का, सॉरी सी का, है ना। ये आपका ये आएगा सी बी सी माइनस में कितना आएगा, बी ए। That is the, this is the velocity of C with respect to it. Observer again आपका क्या A है, right? पता ही BC कितना आएगा, VA तो आपका कितना होगा, 2 होगा। तो VA तो आपका कितना होगा, 2 होगा। पता ही BC कितना आएगा, BC जो है कितना आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। BC जो है आपका कितना आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो BC का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 क्यों आएगा, इसका जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो अब इसका वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 6 है। कितना है, 6। 1 से ये खुद भाग रहा है, और 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है किसका, बस का, जिसके अंदर ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या कितना आएगा, 6 आएगा। 6 माइनस 4 कितना होगा, दिस कम्स आउट टू 4 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। तो C का जो वेलोसिटी होगा A के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड, राइट। अब देखिए A ने क्या किया, A ने B को भी जो ऑब्जर्व किया, और A ने क्या किया, C को भी क्या किया, ऑब्जर्व किया। अगर मैं B की वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं B की वेलोसिटी की बात करूं, उससे पहले बताओ D के लिए B का वेलोसिटी कितना होगा, D के लिए B का वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, है ना। बिकॉज देखो दोनों कहाँ पर है, दोनों बस के अंदर है, इज़न्ट। तो डी के लिए जो बी का वेलोसिटी होगा कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। और ए के लिए कितना होगा, ए के लिए जो बी का वेलोसिटी कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड। तो ए के लिए इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, और डी के लिए बी का वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। तो इसका क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि बी का जो वेलोसिटी है, बी का जो वेलोसिटी है, बी का जो स्पीड है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ए ऑब्जर्व करेगा तो वेलोसिटी कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड। डी ऑब्जर्व करेगा तो वेलोसिटी कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, बी का वेलोसिटी जो होता है, बी का जो स्पीड होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं बोले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ध्यान रखिएगा, बी का वेलोसिटी हो गया, बी का जो स्पीड होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट होगा तो बी का जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेरे कहने का मतलब है बी का वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या अलग है, और जो डी है यानी कि जो बस है उसके रिस्पेक्ट में क्या अलग है। तो ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी एक ऐसा फैक्टर होता है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। अब हम जाते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर है। जब वेलोसिटी बेसिकली आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। वही वाली बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बी का काइनेटिक एनर्जी डी के लिए कितना है, 0, और ए के लिए क्या है, नॉन जीरो। तो हम कहेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी क्या करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। फिर आप क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। क्या आता है, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बी का जो मोमेंटम है डी के लिए कितना है, 0, और ए के लिए क्या है, नॉन जीरो। तो लीनियर मोमेंटम भी क्या करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली वर्क भी क्या करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस भी क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं, एक तो हमने बोला डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर हमने बोला डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या होगा, स्पीड हो गया, स्पीड भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। फिर आपका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा।
फिर आपका वर्क हो गया, वर्क भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, और लीनियर मोमेंटम भी क्या करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। सो वी कैन से दैट ऑल दिस क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज होगा तो ये क्वांटिटीज में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। अब मेन मुद्दा कि कौन सी क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है, जी बताइए। वैल्यू आपकी होती है टाइम, टाइम बोले स्कूल टाइम ऑफ इवेंट क्या बोलते हैं, तो उसको टाइम बोलेंगे या क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ इवेंट, क्या बोलेंगे टाइम ऑफ इवेंट। मान लो जो बी है, बी ने डी की तरफ फूल फेंका, ठीक है, और फूल को डी तक पहुंचे में लेंगे 2 सेकंड, क्या लेंगे 2 सेकंड, तो बी की घड़ी में टाइम कितना होगा 2 सेकंड, डी की घड़ी में भी टाइम कितना होगा 2 सेकंड, सी की घड़ी में टाइम कितना होगा 2 सेकंड, ए की घड़ी में भी टाइम कितना होगा 2 सेकंड होगा। तो ध्यान रखिएगा आपका जो टाइम होता है या जो टाइम ऑफ इवेंट होता है वो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो पहला क्वांटिटी क्या होगा टाइम, टाइम कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, दूसरा क्वांटिटी आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन या डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्या बोले मैंने, मैंने बोला डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए ये आपका बी और डी, बी और डी के बीच का गैप है 2 मीटर, क्या है 2 मीटर है, तो बी के लिए भी क्या है 2 मीटर है, डी के लिए भी क्या है 2 मीटर है, सी के लिए भी क्या है 2 मीटर है, और ए के लिए भी क्या है 2 मीटर है ना। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। तब क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पर्संस डज नॉट चेंज विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ध्यान रखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड वन क्या हो गया, ए का होता है इंडिविजिबल फोर्स, क्या होता है इंडिविजिबल फोर्स, ए का आपका क्या होता है इंडिविजिबल फोर्स। हाँ जी बताइए, जो इंडिविजुअल फोर्स होता है वो भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। जो इंडिविजुअल फोर्स होगा वो भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखिएगा दीज आर द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दीज आर द क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो टाइम कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, और जो इंडिविजुअल फोर्स होगा वो भी क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, ये सब कुछ क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए सफिशियंट है, इतना स्टडी करना भी सफिशियंट है, बाकी हम इसके बारे में काफ़ी एलेबोरेटली स्टडी करेंगे कार लॉज ऑफ मोशन में, जब हम स्टडी करेंगे शूडो फोर्स के बारे में, जब हम शूडो फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे तब इसके बारे में काफ़ी एलेबोरेटली स्टडी करेंगे। अब हम कुछ डेफिनेशंस लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं डेफिनेशंस। वैसे डेफिनेशन आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक डेफिनेशन आपका आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए नैनो गाड़ी है, अब नैनो गाड़ी मान लीजिए यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से गया कन्याकुमारी, तो नैनो गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी कंपेरिजन में नैनो गाड़ी का डायमेंशन क्या बहुत ही कम है, तो नैनो गाड़ी बेसिकली क्या होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पर्टिकुलर नैनो कार इज मच मच लार्जर देन द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कार, देन दैट पर्टिकुलर कार कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर कार होगी उसको क्या बोल सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। आगे हम चलते हैं डिस्टेंस, क्या चलते हैं डिस्टेंस। हाँ जी बताइए डिस्टेंस क्या होता है, ये तो आपका प्रॉब्लम ही है, दो पॉइंटों के बीच का जो एक्चुअल लेंथ होगा, जैसे ये आपका पॉइंट ए होगा और ये आपका पॉइंट बी होगा, तो दो पॉइंटों के बीच का जो एक्चुअल लेंथ होता है क्या होता है एक्चुअल लेंथ, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस आपका ये भी हो सकता है, डिस्टेंस फिर आपका ये भी हो सकता है, डिस्टेंस आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और डिस्टेंस आपका ये भी हो सकता है। तो मैं कहने का था कि दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी क्या डिस्टेंस है, राइट। और आप जानते हैं डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट क्या आएगा एसआई मीटर आएगा, और डायमेंशन क्या आएगा कैल्विन आएगा, है ना।
ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल बात है। फिर हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। कहाँ चलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कोई बंदा ए पे है, वो ए से कहाँ गया? बी पे गया, तो मैंने ए और बी को सीधा ज्वाइन कर लिया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या आएगा इसका? अगेन यूनिट क्या आएगा? मीटर आएगा। डायमेंशन क्या आएगा? एल वन आएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा? बहुत ही कॉमन सी बात है। डिस्टेंस आपका कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। पहला डिफरेंस वही वाला हो गया। स्केलर क्या होता है? जिसे मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जिसे मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा। पूरा टाइमिंग ही ध्यान रखिएगा, राइट। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि दो गिवन पॉइंट्स के बीच में, दो गिवन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो दो गिवन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट का तो यूनिक वैल्यू होगा। क्या होगा? यूनिक वैल्यू। जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। थर्ड बार हम क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा या हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा? छोटा होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो डिस्टेंस के क्या होगा? इक्वल होगा या हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा? छोटा होगा। और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो टाइम के साथ कभी कम नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टाइम के साथ कम हो सकता है। कैसे देखें? जैसे मान लीजिए कोई बंदा मेरे आपका ए पे है, तो आपका ए पे है, ए से कहाँ चला गया? बी पे चला गया। ए से कहाँ गया? बी पे चला गया। और बी से अगेन कहाँ आ गया? सी पे आ गया। तो डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा? डिस्टेंस आपका आएगा ए से कहाँ आ गया? बी पे। तो ए बी प्लस में क्या आएगा? बी सी। क्या होगा? ए बी प्लस में क्या होगा? बी सी होगा। ये आपका डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाँ जी बताइए, व्हाट वुड बी डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन क्या ए है, फाइनल पोजीशन क्या है सी है, तो ऑफकोर्स ये वाला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ए सी आएगा। क्या आएगा? ए सी। तो डिस्टेंस कितना आएगा? ए बी प्लस बी सी आएगा। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आएगा? ए सी आएगा। तो ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका ए पे है, ए से कहाँ गया? वो आपका बी पे चला गया। बी से कहाँ गया? बी से आपका सी पे चला गया। और सी से अगेन कहाँ गया? ए पे आ गया। सी से वो अगेन कहाँ गया? ए पे। ए से बी पे, बी से सी पे, सी से फिर अगेन कहाँ गया? ए पे आ गया। बताइए डिस्टेंस कितना हुआ? कॉमन से बात है, डिस्टेंस कितना आएगा? ए बी प्लस में क्या? बी सी प्लस में क्या आएगा? सी ए। तो डिस्टेंस आपका जो होगा वो कितना होगा? ए बी प्लस में बी सी प्लस में क्या होगा? सी ए होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या ए है और एंडिंग पॉइंट भी क्या है? ए है। तो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना होगा? जीरो हो गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो सकता है बट डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होता। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा आपका? वेक्टर है। कैसा है? एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राउंड है, तो एक ग्राउंड होगा, इस पर व्हील है, एक पहिया है। क्या है? पहिया। ये पहिया घूमता हुआ आगे जा रहा है। दिस इज ओमेगा, दिस इज वी। अब ओमेगा क्या होता है, वी क्या होता है, वो आपको आगे बताएंगे। इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन, ठीक है। तो ये पहिया घूमता हुआ आगे जा रहा है। मान लीजिए जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो आपका ए हो गया। क्या होगा? ए हो गया। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जब ये पहिया आधा घूम जाएगा तो पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जब ये पहिया आधा घूम जाएगा तो ये क्या होगा? ये पॉइंट ए नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ऊपर चला गया। और ये पहिया कितना आगे गया? कितना घूमा? आधा घूमा। तो सीधी बात है कितना होगा? पाई आर। जब पहिया एक बार घूमता है तो कितना आगे जाता है? टू पाई आर। तो आधा घूमेगा तो कितना आगे जाएगा? पाई आर। ये ए का इनिशियल पोजिशन है, ये ए का फाइनल पोजिशन है। तो ये आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। दोनों पॉइंट को मैंने मीट कर दिया,
तो दोनों पॉइंट को अगर मैं मीट कर दूंगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बस निकाल लीजिए तो बहुत सिंपल है। ये आपका कितना होगा, आर प्लस आर कितना होगा, टू आर हो गया। ये आपका कितना होगा, पाई आर हो गया। तो ये आपको ये देखो, ये क्या बन गया, बेस बन गया। ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये बेसिकली कितना आएगा, यहाँ पे आएगा रूट ऑफ कितना हो गया, पाई इंटू में क्या हो गया, आर का स्क्वेयर प्लस में क्या होगा, टू आर स्क्वेयर। तो ये जो है, ये पॉइंट ए का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखिएगा, जब पहिया आधा घूम जाएगा तो पहिया कितना आगे गया, पाई आर आगे गया। और जो ए पॉइंट वो कहाँ जाएगा, टॉप पे चला गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन किया, ये क्या कराएगा, डिस्प्लेसमेंट कराएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, रूट ऑफ पाई आर स्क्वेयर प्लस में क्या आएगा, टू आर स्क्वेयर। राइट। और एग्जाम्पल लेके चले तो बहुत ही सिंपल एग्जाम है। जैसे मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ठीक है, जिससे सर्कल का रेडियस हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। क्या मान लिया, आर मान लेता है, यानी कि आर मान लेता है। अब कोई बंदा है ए, वो ए कहाँ गया, इस पॉइंट से मतलब बी पॉइंट से कहाँ चला गया, सी पे चला गया। बी और सी क्या डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है। ए बंदा पहले बी पे था और बी से कहाँ चला गया, सी पे चला गया, और दोनों क्या डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है। तो बहुत ही कॉमन सी बात है। बताइए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। उसके लिए बताना पड़ेगा कहाँ से गया। तो मान लीजिए वो बी से कहाँ गया, सी पे गया, ऐसे गया। तो डिस्टेंस बेसिकली कितना आएगा आपका, पाई आर आएगा। कितना आएगा, पाई आर। अब जानते पूरा सरकमफेरेंस कितना होगा, टू पाई आर होता है, तो हाफ कितना आएगा, पाई आर आएगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों का हम क्या करेंगे, स्ट्रेट में ज्वाइन कर देंगे। तो आर प्लस आर, टू आर, टू आर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और पाई आर आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, तो आपको भी दिक्कत होने ही नहीं चाहिए। हमने अभी क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टाइम के साथ कम हो सकता है। आगे हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। किस बात करते हैं, स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में बात करेंगे और स्पीड के साथ साथ हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। हाँ जी, पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, टाइम होगा, इसका बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। और वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी जो आपका आएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आएगा, टाइम आएगा। तो ये जो आएगा, ये आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होगा, टाइम। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी होगा। बताइए स्पीड कैसे क्वांटिटी है, अब सब जानते हैं। स्पीड बेसिकली क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, इसमें केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। साथ ही साथ क्या करेगा, साथ ही साथ ये वेक्टर लॉस को भी ओबे करेगा। क्या करेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा, वेक्टर लॉस को भी ओबे करेगा। इसको हम ऑलरेडी वेक्टर में स्टडी कर चुके हैं। राइट, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड ऑफ वेलोसिटी की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। राइट, ध्यान रखिएगा, जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो स्पीड होगा, और जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी होगा। क्या होगा, वेलोसिटी। तो स्पीड या वेलोसिटी जो होते हैं चार टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्टेंस आएगा तो आपका स्पीड होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो पहला टाइप आपका होता है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड वन क्या होता है, थर्ड वन आपका होता है एवरेज। थर्ड वन आपका जो होता है वो होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। और लास्ट वन क्या होता है, लास्ट वन आपका होता है इंस्टेंटेनियस। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात वही है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी होगा, और डिस्टेंस होगा तो बेसिकली क्या होगा, स्पीड होगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, होता होगा इंस्टेंटेनियस होगा। राइट, यूनिफॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए कोई व्हीकल है,
मान लीजिए कोई व्हीकल है, यदि वो व्हीकल है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो स्पीड कैसा होगा आपका, स्पीड सॉरी वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। मेरे कहने का मतलब मान लीजिए ये आपका इनिशियल पॉइंट आपका ए है और ये आपका फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। एक व्हीकल है वो 5 सेकंड में चला 5 मीटर, 5 सेकंड में वो कितना चला, 5 मीटर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं ऐसा मान लेते हैं। और जब स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे तो बात एक ही है, चाहे वेलोसिटी बोले चाहे उसको स्पीड बोले, 5 सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर चला, तो भाई कहने का थे वो क्या क्या करेगा, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो इस केस में तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो यदि कोई व्हीकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो स्पीड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो आपको वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म होगा। अब ग्राफ लोड करते हैं तो मैं कहने का था यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, जो वेलोसिटी होगा उसको मैंने क्या के पुट कर दिया तो वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी में और टाइम में कैसा ग्राफ होगा, या आपका वेलोसिटी होगा या आपका टाइम होगा, भाई वेलोसिटी तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगा, तो सीधी बात क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, है ना। ये जो पूरा आपका दिस कम्स आउट टू 3, दिस इज अ 3, तो वेलोसिटी और टाइम में क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो टाइम की क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब टाइम एक्सिस की पैरेलल होगा, ये वेलोसिटी टाइम में हो गया। फिर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कैसा ग्राफ होगा, तो हम जानते हैं वेलोसिटी जो है वो आपका बी क्या है, के यानी कि कॉन्स्टेंट के इक्वल है, और आप ये जानते हैं कि आपका वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डी एस अपॉन बी टी, ये हमने कहाँ स्टडी किया था, मैथमेटिकल टूल्स में। आपका वेलोसिटी जो होता है वो होता है डी एस अपॉन डी टी होता है, मतलब ऊपर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप इसके बारे में थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। तो डी एस का वैल्यू कितना होगा, डी एस का वैल्यू आपका कितना होगा, के साथ में कितना होगा, डी टी होगा, दोनों साइड में मैंने इसको इंडिकेट कर दिया, बताइए डी एस का इंडिकेशन कितना आएगा, डी एस का इंडिकेशन कितना आएगा, एस आएगा, के तो कॉन्स्टेंट है, डी टी का इंडिकेशन क्या आएगा, टी आएगा, है ना। ये किसका इक्वेशन है बताइए, बताइए ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कौन सा स्ट्रेट लाइन, बाई इक्वल टू एम एक्स, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, टाइम होगा, और क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो कीप इन माइंड दैट अगर वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म होता है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन इन दिस पर्टिकुलर केस। और स्लोप क्या देगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्लोप में क्या देगा, तो स्लोप देता है वेलोसिटी, क्या देता है वेलोसिटी, निकालो ना यार स्लोप निकालेंगे, स्लोप बोल दो टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना आएगा, एस अपॉन टी या फिर डी एस अपॉन डी टी। तो ध्यान रखिएगा स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, क्या देता है वेलोसिटी। अच्छा बताइए एक्सेलेरेशन टाइम में कैसा ग्राफ होगा, अगर वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है तो एक्सेलेरेशन टाइम में कैसा ग्राफ होगा, हम क्या करते हैं एक्सेलेरेशन निकालने के लिए मैंने दोनों साइड में क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा आपका डी वी अपॉन में कितना आएगा, डी टी आएगा, और के कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो हो गया, तो एक्सेलेरेशन बेसिकली कितना होगा, जीरो होगा। तो कैसा ग्राफ मिलेगा, हम बोलेंगे यहाँ पर आपका एक्सेलेरेशन होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, टी होगा, तो एक्सेलेरेशन तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगा, बोला एक्सेलेरेशन जीरो हो गया से, तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, एक ऐसा ग्राफ मिलेगा विच इज पैरेलल, यू कैन से सच काइंड ऑफ ग्राफ रिवील होते हैं। तो एक्सेलेरेशन टाइम में क्या मिलता है, ऐसा ग्राफ मिलता है, पहले एक्सेलेरेशन कितना रहेगा, जीरो रहेगा, एक्सेलेरेशन रिमेंस जीरो थ्रू आउट द मोशन। सो दीज आर द ग्राफ्स ड्यूरिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, तो कैसा ग्राफ मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। In the next lecture, we will study about non-uniform velocity, average velocity, and instantaneous velocity, and one and numericals on them. Thank you, have a nice day for today.